एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार सत श्रीकाल असलम और यह अली मदद सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार इंदिरा गांधी ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले पौत्री प्रियंका को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताया था और कहा था कि वे राजनीतिक क्षितिज पर चमकेंगी और अगली शताब्दी उनकी होगी हरियाणा के फरीदाबाद जिले के एक गांव में जाति के दबंगों द्वारा एक दलित परिवार को जिंदा जलाने की घटना को लेकर विपक्ष तथा सहयोगी लोजपा के निशाने पर आने के बाद राज्य सरकार ने घटना की सी की सीबीआई जांच कराने सिफारिश कर दी है। इस घटना में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बुधवार को भगवान वेंकटेश्वर की स्वर्ण रथ यात्रा निकाली गई तिरुपति मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि लगभग एक लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इस धार्मिक आयोजन में हिस्सा लिया है हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे की पुण्यतिथि 15 नवंबर को सभी राज्यों में जिला स्तर पर बलिदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है उर्दू कवि मुनवर राणा रविवार को उनतीस से भी ज्यादा लेखकों में शामिल हो गए जिन्होंने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाए हैं चर्चित गजल गायक जगजीत सिंह पर आधारित एक नई पुस्तक में कहा गया है कि वर्ष उन्नीस में पाकिस्तान के पहले दौरे पर गए सिंह को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी हालांकि एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी ने उनकी जासूसी की जो संयोग से उनका प्रशंसक निकला कमजोर बारिश तथा बेमौसम बारिश से फसल वर्ष 2014-15 में दालों का उत्पादन 20 लाख टन घटकर एक दशमलव सात दो करोड़ टन रह गया है बाजार में तुअर दाल की कीमत एक सौ नब्बे रुपए किलो तक पहुंच गई है जो साल के स... पहले पचासी रुपए किलो थी सीबीआई ने उत्तर रेलवे के दो पूर्व अधिकारियों और सात निजी कंपनियों के खिलाफ तेरह जगहों पर छापेमारी की जिसमें बीस करोड़ रुपए बरामद किए गए प्रीमियम ट्रेनों में आवश्यक रेल नीर नहीं देकर किसी और कंपनी का पानी यात्रियों को देने के मामले में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में छापेमारी अच्छा की गई है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले निकाय नेट हेल्थ के अनुसार देश की आबादी के लिए करीब 20 लाख डॉक्टरों और 40 लाख नर्सों की कमी है भारत में किराए की कोख के जरिए प्रवासी भारतीयों एनआरआई भारतीय मूल के लोगों और विदेशों द्वारा बच्चे हासिल करने पर जल्द ही पूरी तरह पाबंदी लगाई जा सकती है विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में अतिरिक्त आरोपी के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समन करने की मांग वाली झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधुकोड़ा की याचिका ठुकरा दी गई है अमेरिका का एक एफ सोलह लड़ाकू विमान पूर्वी अफगानिस्तान में हमले की चपेट में आ गया इस अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के तालिबान के कथित हमले की चपेट में आने की यह दुर्लभ घटना है अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की दिशा में कदम उठाने के लिए रविवार को अमेरिकी सरकार को आदेश दिया है उत्तरी फिलीपींस में कोप्पू तूफान आया जिससे देश का तटीय हिस्सा बुरी तरह प्रभावित हुआ मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तेज हवाओं का असर कम से कम तीन दिन तक रह सकता है करीब पैंसठ सौ लोगों को उनके घरों से निकालकर तूफान आने से पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने की दावेदारी के लिए हुई प्रारंभिक बहस में प्रभावशाली प्रदर्शन करने के बाद इन चुनावों में हिलरी क्लिंटन की महत्वाकांक्षाओं को बल मिला है उनके अभियान के तहत तीन दशमलव तीन करोड़ डॉलर की भारी रकम जुटा ली गई है यह रकम इस दौड़ में शामिल किसी भी अन्य उम्मीदवार की तुलना में कहीं ज्यादा है नेपाली सांसदों ने नया संविधान लागू होने और नई सरकार के गठन के बाद पहली बार माओवादी सांसद महिला अंसारी धारती मगर को सांसद का अध्यक्ष निर्वाचित किया है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रख्यात हिब्रू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है डॉक्टरेट की यह तीसरी उपाधि है जो जॉर्डन फिलिस्तीन और इसराइल से मिली है पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पिछले सप्ताह रोक दी गई समझौता एक्सप्रेस की सेवा को बहाल कर दिया गया है बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी हस्तियों का विरोध करने वाली शिवसेना नोबल पुरस्कार विजेता मलाल युसई का स्वागत करने के लिए तैयार है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों के सव, स्वामित्व की रही ज़मीन जम, का अब राजस्थान सरकार अधिग्रहण करेगी बीकानेर में करीब बीघा यह ज़मीन सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहित होगी पंजाब के संगरूर के हसनपुर गांव में उस वक्त अचानक तफरी मच गई जब एक फौजी अपने घर की छत पर अचानक आकर फायरिंग करने लगा संगरूर के एस, एस के मुताबिक फौजी की तरफ से की गई इस फायरिंग में चार लोग मारे गए जबकि चार लोग घायल हो गए हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बिडेन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे उन्होंने 2016 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर हवाई हमलों को लेकर आभार जताया है लगातार बिजली की भारी किल्लत का सामना कर रहे पाकिस्तान ने निर्णय लिया है कि वो अब भारत से बिजली नहीं खरीदेगा के, 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 के लिए सोमवार को हुए मतदान में इस बार पंजाबियों का प्रदर्शन जबरदस्त रहा इसमें भारतीय मूल के 19 उम्मीदवार विजय रहे जिसमें 16 पंजाबी हैं सत्ता पर काबिज हुई लिबरल पार्टी की टिकट से 16 भारतीय चुने गए इस संसदीय चुनाव में लिबरल पार्टी को भारी जीत मिली है सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को मिली हार के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने इस्तीफा दे दिया लिबरल पार्टी के नेता जस्टिन ट्रूडो कनाडा के नए प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे भारतीय सुंदरी प्रियंका खुराना गोयल मिसेस अर्थ दो चुनी गई हैं जमैका के ग्रैंड पलेडियम रिजॉर्ट में आयोजित एक रंगारंग समारोह में उन्हें मिसिज अर्थ का ताज पहनाया गया महात्मा गांधी की पौत्री आशीषलता राम गोविंद पर दक्षिण अफ्रीका में दो व्यवसायियों से आठ लाख तीस हजार डॉलर की ठगी करने का आरोप लगाया गया है राम गोविंद को सोमवार को डर्बन के कोर्ट में चोरी ठगी और जालसाजी के आरोप में पेश किया गया स्वीडन दुनिया का पहला कैशलेस राष्ट्र बनने की राह पर चल रहा है यानी यहां नकदी की जगह सारा लेन ऑनलाइन डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए हो रहा है दालों की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं केंद्र के दबाव के बाद जमाखोरों और मुनाफाखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी से अब करीब छत्तीस हजार मीट्रिक टन दालें जब्त हो चुकी हैं चीन की पूर्व पूर्वी शांगदन प्रांत में उन्नीस में स्थापित एक रासायनिक संयंत्र में धमाका होने से एक महिला समेत नौ लोगों की मौत हो गई है कनाडा के नए बनने जा रहे पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रोग्राम के दौरान कुर्ता पैजामा पहनकर बॉलीवुड सॉन्ग्स पर जमकर डांस किया ट्रूडो कनाडा की बयालीसवीं संसद में सत्ताईसवें प्रधानमंत्री हैं इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना ना भूलिए एशियन समाचार तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए नमस्कार सत शामक और या अली मदद